हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा, क्लास सेवेंथ, चैप्टर नंबर फोर्थ, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज हास्य बाल विसम्मेलनम, यानी कि बालकों का हास्य सम्मेलन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हास्य बाल विसम्मेलनम विविध वेशभूषा धारणी चतवार बालकव्या मच्छस्य उपरी उपविष्टा संति की विभिन्न यानी अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए चार बालक ऊपर स्टेज पर बैठे हुए थे, मच्छस्य मंच पर बैठे हुए थे। अद्य श्रोत्रा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति कोलालम जय कुर्वंती। और जो श्रोता यानी जो उनको सुनने वाले लोग थे वो हास्य कवियों की को सुनने के लिए उत्सुक होकर के उत्साहित होकर के क्या कर रहे थे, कोलाहल यानी कि शोर कर रहे थे। संचालक यानी जो मंच को संचालित करता है वो कहता है अलम कोलाहलम कि अरे इतना शोर। अध्य परम हर्ष से अवसर है, ये बहुत ही हर्ष का अवसर है। यत अस्मिन कवि सम्मेलन के इस कवि सम्मेलन में काव्यांतर कालाश्चिकाय भरतस्य हास्य कवि मधुसा समगता संति के यहाँ पे जो हास्य कवि हैं वो सभी एक साथ उपस्थित हैं। एति कर्थनाम वयम एतासाम स्वागतम कुर्मः, इसलिए हमें तालियों के साथ इनका स्वागत करना चाहिए। तो तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए, ऐसा वह कहते हैं। जैसे कि कोई भी मंच संचालन किसी को बुलाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए है ना, तो कहता है कि तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे, तो ऐसा ही वो मंच संचालन यहाँ पे कहते हैं। गजाधर है, गजाधर नाम का जो व्यक्ति है जो स्टेज पे बैठा हुआ है वह कहता है सर्वेभ्यो अरस केभ्यो नमो नमः, के सभी अरस बिना रस वाले लोगों को मेरा नमस्कार। यानी कि वह क्या करता है, वह हास्य में कहता है कि आप जो रसविहीन लोग हैं उनको मेरा नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुरिकम वेद्यम उद्दिष्टम स्वयकिम काव्य श्राव्यामी, सबसे पहले मैं आपको आधुनिक वेद के ऊपर अपना जो लिखा हुआ काव्य है वह सुनाता हूँ। अर्थात गजाधर कहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। वेदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, कि वेदराज हे डॉक्टर आपको मेरा नमस्कार। यमराज सहोदर किसको, आप क्या हैं, यमराज के सगे भाई हैं, यानी जो मृत्यु के देवता हैं यमराज उनके आप सगे भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान वेद प्राणान धनानी च, यमराज तो केवल प्राणों का हरण करते हैं यानी उनसे केवल क्या होता है, प्राणों का नाश होता है, परंतु जो वैद हैं वो प्राणान धनानी च, वो क्या हरते हैं, प्राणों के साथ साथ धन का भी हरण करते हैं। सर्वे उच्चे हसन्ति, तो जो इतने भी श्रोतागण होते हैं वहाँ पे वह सभी जोर जोर से हंसते हैं। कालांतकर अर्थात डॉक्टरों द्वारा जो है आपके धन का हरण किया जाएगा, आप जिएंगे या मरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हाँ उनके पास इलाज करवाने जाने में आपका पैसा जरूर ले लेंगे। तो इसी क्रम में आगे कालांतक नाम का जो दूसरा है हास्य कवि वो कहता है अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादरसा कुशला जनसंख्या निवारणे, कि अरे जो वैद हैं जो डॉक्टर हैं वो तो हर जगह हैं लेकिन मेरी तरह कुशल जनसंख्या निवार जो नियंत्रण हैं करने वाले हैं वो हर जगह नहीं हैं। ममापि काव्याम इदम श्रवंतु भवंतः, इस विषय में मेरे काव्य को भी आप लोग सुनिए। और वह इसी क्रम में आगे कहते हैं चितांत जलता द्रष्टव्या वेदो विस्म्याम गतः, कि चिता को जलते हुए देखकर जो वैद है वो विस्मित हो जाते हैं। नाहम गतो नामे भ्राता कस्मेदम हस्तलाव वहम, कि ना ही तो मैं यहाँ गया यानी कि ना तो मैंने इसके इलाज के द्वारा इसको मारा और ना ही मेरा कोई भाई गया, तो फिर यह इंसान मरा कैसे। अर्थात वैद कहते हैं कि भाई ना तो मैंने इसका इलाज किया तो ना ये मेरे द्वारा मारा गया और ना ही मेरे किसी भाई के द्वारा, तो फिर यह मरा कैसे। और यह सुनते ही जो सभी लोग हैं वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुंदल्य यानी कि जो तीसरा व्यक्ति होता है वो मोटा सा होता है, तुंदल से ऊपरी हथ से आवृत है, और वह अपने पेट के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है और कहता है
तुंडलोभ्यं भो कि मेरी बात को भी सुनिए। ममापि इदं काव्ये श्रुत्यां जीवने धारयता च, मैं जो काव्य सुना रहा हूँ इसको अपने जीवन में धारण कीजिए। परायण प्राप्ते दुर्बिलों, कि जो दूसरों का अन्न है उसको प्राप्त करना क्या है, मुश्किल है। माँ शरीरे दया कर्तुम, और इसके लिए अपने शरीर पे दया कीजिए। पन्ना पराया धर्म दुर्लभम लोकी सैनानी पुनः पुनः, यानी कि जो दूसरों का भोजन है वो ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए सबसे पहले उसको खा लेना चाहिए। और इस शरीर का क्या है, ये शरीर तो बार बार मिलता रहता है, यानी कि जन्म और मरण के साथ शरीर तो दोबारा मिल जाता है, लेकिन जो दूसरों का खाना है वो मिलना मुश्किल है, इसलिए उसको खा लेना चाहिए। सर्वे पुण्य अठासम क्रवंती, और सभी लोग दोबारा पुनः जोर जोर से हंसने लग जाते हैं उसकी ये बात को सुन करके। तभी चौथे कवि, जिनका नाम चार्वाक है, वो आते हैं और क्या कहते हैं, आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, कि शरीर का पोषण हमेशा से उचित है। यदि धनम नास्ति, चाहे धन नहीं है, तदा तब भी ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्त्यम, तो भी कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थों को ही खाना चाहिए। तथा कथ्यति, तभी कहते हैं चार्वक्यम कवि, ऐसा कवि चार्वक्यम कहते हैं, याव वृजिते वे सुखम तिदेव ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि चाहे आपके पास पैसा हो ना हो, उधार लेकर के भी घी अवश्य खाइए, यानी अच्छा भोजन अवश्य कीजिए। श्रोत्र, तभी एक जो श्रोता होता है वे पूछते हैं, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर जो उधार लिया है उसको चुकाएं कैसे। चार्वाक कहते हैं, श्रुताम मम अवशिष्टम काव्यम, कि मेरी आगे की कविता को भी तो सुनिए। घृतम पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणस्य प्रतिपेर्वम जना, कि घी पीजिए, उधार लेकर के आपने घी खाया, यानी कि आपने अच्छा अच्छा भोजन किया, पौष्टिक आहार खाया, और उसको खाने के बाद जो शरीर में ताकत आई उससे श्रम कृत्वा, श्रम को करके ऋणम प्रत्यपेक्षणम जना, लोगों से जो उधार लिया है उसको चुका दीजिए। सो काव्य पाठेन श्रवेण उत्प्रेरित बालक, एक बालको अपि आसु कविताम रचति हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और कवियों के द्वारा कविता को सुनकर उनसे प्रेरित होकर एक बालक ने उसी समय जो कविता रची होती है उसको हंसते हुए सुनाता है और कहता है, बालक कहता है, श्रुताम श्रुताम भो ममापि काव्यम, कि सुनिए सुनिए मेरी कविता को भी सुनिए। गजाधरम कवि चैवम तंदुलम भोजिलोकृतम कालांतकम तथा वेद चावरकम च नमाम्यम, और वह कहता है कि गजाधर कवि तुंदिल, जो कि भोजन को बहुत, जिसको भोजन बहुत प्रिय है, कालांतक कवि, और जो वेदों के बारे में बात कर रहे हैं चारुकम कवि, इन सभी को मैं अपना नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रुत्वा, काव्य को सुनकर हा 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 इति कृत्वा, हा 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 ऐसा कहकर सभी हंसते हैं। अन्य चैप्य संति, और भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। सो आज हमने अपना जो चैप्टर है फोर्थ, इसे कंप्लीट किया। आप इसे अपनी बुक से एक बार पढ़िएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।